मोहतरम सरपरस्त हजरात, अब हम बच्चों को आप खानदगी के बारे में मालूमात देंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पानी इंसानी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है, और हमें जो पानी मिलता है ये बारिश के जरिए से हम तक पहुंचता है। तो आइए आज हम पानी की अहमियत के बारे में नज़्म के जरिए से समझेंगे। आप खानदगी, अब मैं नज़्म पढ़ रहा हूं, आप सभी बच्चे गौर से सुनेंगे। अगर आसमां पर घटा छाई बच्चों, समझ लो कि बरसात फिर आई बच्चों। हर एक चीज को तर बतर कर गई है, जमी सारी हरियाली से भर गई है। दरख्तों पे कैसा निखार आ गया है, पहाड़ और नदी को करार आ गया है। बहुत खूब होती है बारिश में फसलें, कि जान किससे आती है सूखी जमी में। खुदा का करम है ये बारिश का मौसम, है उसकी अता का नवाजिश का मौसम। प्यारे बच्चों, हमने जो नज़्म पढ़े हैं, हम तस्वीर के जरिए से समझेंगे कि पानी हमें कितना जरूरी है और पानी की हिफाजत किस तरह की जाती है। पहली तस्वीर में बताया जा रहा है कि नल शुरू है और पानी जाय हो रहा है। प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि जब हम नल के पानी का इस्तेमाल कर ले तो नल को बंद कर दे, पानी को जाय होने से रोकना चाहिए। उसके नीचे एक तस्वीर है जिसमें यह देखा जा रहा है कि दरख्त तो सूखे हैं, खेती सूखी नजर आ रही है। क्या वजह है कि पानी अगर ना बरसे, बारिश अगर ना हो, तो इस तरह से कैश साली का सामना हमें करना पड़ता है। ठीक उसी तरह सामने देखेंगे कि एक लड़का और एक लड़की जो दरख्त लगा रहे हैं। ये बच्चों को मालूम है कि बारिश का पानी रुकने की वजह क्या है, तो वो बच्चे शजरकारी करके, मतलब ये जो पानी रुक रहा है, बारिश नहीं हो रही है, तो शजरकारी करके बारिश होना चाहिए कोशिश कर रहे हैं। और बारिश जब हम शजरकारी करते हैं तो इनको वक्त पे पानी देना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए, जानवरों से रोकना चाहिए। होता क्या है कि हम लोग पौधे लगाते हैं और अगर उनकी सही निगरानी नहीं करें, देखभाल नहीं करें, तो ये पौधों को चरिंदे परिंदे जो भी है उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखे हमने कि पानी का किस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। इसी तरह से पानी के जखीरे, हम इस तस्वीर में देख सकते हैं कि पानी के जखीरे किस तरह किए गए हैं। पहले नंबर की तस्वीर में देखा गया है कि छत का पानी, जो बारिश होती है तो वो छत को इस तरह से उसमें इंतजाम करना चाहिए कि वो पानी जाय ना हो, बल्कि पाइप के जरिए से एक टंकी के अंदर उसको जमा किया जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए। ठीक इसी तरह उसके सामने वाली तस्वीर में देखा जा रहा है कि पानी का जखीरा किस तरह होता है। हम लोग बड़े बड़े डैम देखते हैं, वो डैम बंद इसलिए बनाए जाते हैं कि बारिश का पानी उस डैम के अंदर जमा हो और फिर साल भर हम उस पानी का इस्तेमाल कर सकें। अगर डैम ना बनाए तो पानी बह जाएगा और हमें पानी पीने की बड़ी दिक्कतें होंगी। ठीक इसी तरह नीचे फिर एक तस्वीर है जिसमें एक टंकी बनी हुई है प्लास्टिक की, इसमें भी हम पानी को जमा करते हैं। ठीक उसी के बाजू में एक पानियाची ताकि ऐसा लिखा हुआ है, इसमें भी हम पानी का जखीरा करते हैं। उसके बाद नीचे एक तस्वीर है एक पानी लेने का तरीका। प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि पानी कितने किस तरह से हम तक पहुंचता है, ये अल्लाह की नेमत है। हमने पानी को जाया नहीं करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर तस्वीर बताई गई कि हम पीने का पानी किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। एक तस्वीर में दिखाया गया है एक बच्चा एक डोंगे के जरिए से वो मटके में से पानी निकाल रहा है और गिलास में लेकर पी रहा है, और दूसरी तस्वीर में बच्चा डायरेक्ट गिलास को उसमें डुबो रहा है और पानी निकाल रहा है। हमें समझता है
इसमें सही तस्वीर कौन सी है या सही अमल कौन सा है और गलत अमल कौन सा है। प्यारे बच्चों, इसमें जो डमी से पानी निकाल रहा है वो सही अमल है, इससे पानी खराब नहीं होता है और पानी हमारे पीने के लायक होता है।